हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में मेफास्ट पी सस्पेंशन के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। मेफास्ट पी सस्पेंशन का मुख्यतः उपयोग बुखार की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस सस्पेंशन के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। इस सस्पेंशन कैसे काम करता है, क्या इस्तेमाल होता है, इस सस्पेंशन के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस सस्पेंशन से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ज़ेवेंटस हेल्थ केयर कंपनी का ये 60 ml का सस्पेंशन आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 40 यानी 40 रुपीज में आसानी से मिल जाएगा। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। मेफास्ट पी सस्पेंशन में इच 5 ml सस्पेंशन में, मतलब 5 ml की सस्पेंशन की मात्रा में पैरासीटामोल IP 125 mg, मेफेनेमिक एसिड IP 150 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद मेफेनेमिक एसिड इज नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। यह बॉडी में उन केमिकल मैसेंजर को रोकने का काम करता है जो बुखार का कारण बनते हैं। पैरासीटामोल यह ड्रग ब्रेन से निकलने वाले उन केमिकल मैसेंजर को रोकने का काम करते हैं जो दर्द का कारण बनते हैं। बात करते हैं इस सस्पेंशन की यूजेस की। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस सस्पेंशन का मुख्यतः उपयोग बुखार की समस्या, सिर दर्द की समस्या, दांत का दर्द, सर्दी, मांसपेशियों का दर्द जिसे हम मस्कुलर पेन कहते हैं, कान में दर्द, सर्जरी के बाद होने वाला दर्द, आधा सिर दर्द, जोड़ों का दर्द या फिर किसी अन्य प्रकार का दर्द दूर करने के लिए डॉक्टर इस सस्पेंशन का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस सस्पेंशन के डोसेस की। आप अपनी समस्या बताकर इस सस्पेंशन का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। यह बच्चों का सस्पेंशन होने की वजह से इसे हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल कीजिए। 4 से 8 साल उम्र के बच्चे ये सस्पेंशन 5 ml दिन में 2 बार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस सस्पेंशन के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपके बच्चों को इस सस्पेंशन में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो उन्हें बताया कि कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि उन्हें बताया कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस सस्पेंशन के इस्तेमाल से उन्हें उल्टी, मितली, चक्कर आना, पीले आंखें होना, सांस फूलना ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस सस्पेंशन को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपके बच्चे को इस सस्पेंशन के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर उन्हें इस सस्पेंशन में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस सस्पेंशन का यूज ना करें। अगर आप अपने बच्चे को पहले से ही कोई अन्य सस्पेंशन या मेडिसिन दे रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दे। इस वजह से इस सस्पेंशन का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। इस सस्पेंशन को इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह से चेक करें और बाद में ही अपने बच्चों को पिलाएं। अगर आपके बच्चे को लीवर से जुड़ी कोई समस्या हो तो इस सस्पेंशन का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही कीजिए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन डोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।